देखिए, एक के बाद एक आंदोलन और प्रदर्शन शुरू हो चुका है, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी आंदोलन करने जा रहे हैं। 22 और 23 जुलाई को प्रदर्शन करेंगे। सभी मांगों को लेकर 2 दिवसीय प्रदर्शन रहेगा, जहां प्रदेश में 15,000 से ज्यादा स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी हैं। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी रायपुर पहुंचेंगे। साथ ही एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने ये पूरी जानकारी दी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से प्रदर्शन की बयार देखने को मिल रही है, जहां एक ओर जो अनियमित कर्मचारी है वो तो प्रदर्शन कर ही रहे, तो वहीं दूसरी ओर अगर बात कर ली जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा कर्मचारी भी अब प्रदर्शन करने की तैयारी में है। कर्मचारियों के 31 दिन के लंबे संघर्ष के बाद पिछली सरकार ने 37,000 संविदा कर्मचारियों के लिए 350 करोड़ का अनुपूरक बजट में 23 में प्रावधान किया था। उसके पश्चात नई सरकार आई और साल भर बीत गया। 24 बार हम सभी लोगों ने भी मंत्रियों विधायकों से भेंट कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के व एड्स कंट्रोल कार्यक्रम के लगभग 16,000 कर्मचारियों को, जिनको वित्त विभाग से अभी तक 27% वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे। दिनांक 22 और 23 को विधानसभा सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रदर्शन के लिए हम सब 16,000 कर्मचारी रायपुर में उपस्थित हो रहे हैं।